हे गाइस, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं कान्हा जी के लिए बनाऊंगी ट्रैवल बास्केट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये टोकरी ली है और एक मेरे पास एम्ब्रॉयडरी हुक पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, जो वेस्ट था, कहीं यूज़ नहीं कर पा रही थी मैं। तो इसको मैं एज ए हैंडल यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, टोकरी के साइज से इसको नाप लिया, कट कर लिया और तार से इसको देखो बांध दिया, एकदम फिक्स से कर दिया है, कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं। बट अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है ना, तो आप क्या करना, तीन चार मोटी मोटी तार लेना और ट्विस्ट कर देना, जैसे रस्सी को हम ट्विस्ट कर देना ठीक इसी तरीके से, और जैसे इसे मैंने तार से बांधा आप उसे तार से बांध देना। और अगर आप मार्केट से लेकर आ रहे हो ना टोकरी, तो हैंडल वाली ले आना, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कोई भी फैब्रिक लेना है और पूरी टोकरी को कवर कर देना। अगर वेलवेट का होना तो आप वो लेना, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे पास नहीं था तो मैं कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। अब बीच वाले पोर्शन पे मैं एक थर्माकोल का टुकड़ा लूँगी, उसको भी फैब्रिक से कवर कर दूँगी और बीच वाले पोर्शन में फिक्स कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे फ्रिल ली है। फ्रिल कैसे बनानी है मैंने चैनल पे कई सारी वीडियोस में बताया हुआ है, तो चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना यार, ठीक है। तो इस फ्रिल को किनारे किनारे हम लगाएंगे और अब हम बनाएंगे फ्लावर, फैब्रिक का फ्लावर। तो इसको कैसे आपको बनाना है, देखो आपको फैब्रिक का टुकड़ा लेना है जिसकी लेंथ हो 7 इंच और विड्थ हो 1.5 इंच, और सुई धागे से आपको जिगजैग स्टिचिंग आपको देनी है और फिर धागे को धीरे से पीछे खींचते हुए इस फ्लावर को बना लेना है और सिक्योर कर देना है नॉट लगा के। और इसके बीच में ना मैंने गोल्डन कलर की बीड्स भी लगा दी है, तो ये क्यूट सा बटरफ्लाई टाइप का फ्लावर बन जाएगा आपका। और ऐसे मैंने कई सारे फ्लावर्स बनाए हैं, तो डेकोरेशन के लिए आप इसी तरीके से बना सकते हो। अब हम टोकरी को डेकोरेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लेस लिया है, कुछ पेपर के फ्लावर लिए हैं, पूरे हैंडल को हम डेकोरेट करेंगे और इसको अच्छे से टना, देखो चिपका दिया है मैंने, ठीक है। और हैवी करना चाहते हो ना तो फ्रिल्स पे भी कुछ कुछ चिपका देना, बट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। अब आपको क्या करना है, बीच में बिछाना है कान्हा जी के लिए गद्दा, उस पर आपको ब्लैंकेट बिछाना है, पिल्लो रखने हैं उनके लिए, और आराम से कान्हा जी को बिठा के कहीं भी आप लेके जाओ, बहुत प्यारा लगेगा। ये सब पूछेंगे कहाँ से लेके आए हो। वैसे से आप बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना। राधे राधे।